हेलो फ्रेंड्स, खाना पकाना बाई जेबी जुबैर में आप सबका इस्तकबाल है। पेश है बकरईद की एक और पेशकश, कीमा बिरयानी, जो आप बना सकते हैं मटन या चिकन के कीमे के साथ। तो स्टेप बाय स्टेप बिरयानी कैसे बनाएंगे, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कीमा बिरयानी के लिए सबसे पहले पकाएंगे कीमा। तो इसके लिए एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें डालेंगे आधा कप रिफाइंड ऑयल। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब खड़े मसालों का तड़का लगाएंगे। बहुत ज्यादा गरम तेल मत कीजिएगा, वरना मसाला फौरन तेल में जा करके वो बर्न होने लगेगा। धीरे धीरे कुकिंग के साथ उसका अरोमा ज्यादा अच्छा आता है। डालेंगे 2 तेजपत्ता, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 छोटी स्टिक दालचीनी, 6 लौंग, 6 काली मिर्च, 1 फूल जावित्री का, 3 साबुत लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा। सेकेंड फ्राई कर लेंगे और डालेंगे 250 ग्राम प्याज बारीक कटी हुई। और प्याज को ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है प्याज को। जब प्याज इस पोजीशन पर इतनी ब्राउन हो जाए तब डालेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब अदरक लहसुन को 2 मिनट भूनेंगे, इसके कच्चेपन की महक खत्म हो जाए। और ऐड करेंगे 500 ग्राम मटन का कीमा। कीमा थोड़ा मोटा लेंगे, बारीक मशीन का कीमा मत इस्तेमाल कीजिएगा। और कीमे को अच्छे से धोकर साफ करके पानी निकालकर फिर डालिएगा। और 1 छोटा चम्मच नमक डालकर कीमे को प्याज और मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर आप कुकर में बनाना चाहें तो यह कीमा इसी तरीके से कुकर में भी बना सकते हैं। अब डालेंगे 1 कप पानी। अब हमें कीमा गलाना है। अगर कुकर में बना रहे हैं तो आधा कप पानी डालिएगा और ढक्कन लगाकर कीमे के गल जाने तक हमें इसे धीमी आंच पर पकाना है। बीच बीच में चलाते रहेंगे और अगर पानी खत्म हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे। चलिए जब तक कीमा पक रहा है तब तक चावल उबाल लेते हैं। तो लेंगे एक गहरा बर्तन और उसमें मैंने डाला है 1.5 लीटर पानी। और पानी में डालेंगे 1 तेज पत्ता, 1 लंबी लकड़ी दालचीनी की, 2 स्टार एनिस, 3 छोटी इलायची, 1 छोटा चम्मच स्याह जीरा या काला जीरा, 3 बड़े चम्मच नमक, आधा नींबू का रस और 2-3 बूंद रिफाइंड ऑयल की, जिससे कि चावल खिले खिले सफेद उतरे। और अब ढक्कन लगाकर पानी उबलने का इंतजार करेंगे। मसालों का अरख पानी में आ जाना चाहिए अच्छे से। इतनी देर पानी को आप पकाइएगा। देखिए पानी में उबाल आने लगा है और खुशबू भी आने लगी है मसालों की। पानी से कलर भी आप देख सकते हैं, पानी का बदल गया है। अब डालेंगे 500 ग्राम बासमती चावल, जिसे मैंने आधा घंटा पहले सोक कर लिया था। भीगे हुए चावल को आराम आराम से डालिएगा, झटके से मत डालिएगा वरना पानी आपके ऊपर भी आ सकता है। अब जेंटली चावल को पानी में मिक्स कर दीजिए और ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन पूरा नहीं लगाएंगे वरना सारा पानी नीचे गिर जाएगा। चावल को 80% ही पकाना है। ये देखिए चावल कितने लंबे और खिले खिले से दिख रहे हैं। अब इसका पानी छान लेंगे और चावल अलग रख देंगे। अगर इस वक्त चावल ज्यादा गला हुआ लग रहा है तो आप चावल को ठंडे पानी से धो लीजिएगा कि इसकी जो गर्माहट है वो खत्म हो जाए।
चलिए वापस आते हैं कीमे की तरफ। इसको धीमी आंच पर पकते पकते लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। बीच में मैंने चलाया था और थोड़ा सा पानी भी डाला था। अब इसका जो पानी दिख रहा है उसे खुश्क कर लेंगे, यानी कि उसको बिल्कुल सुखा लेंगे, जब तक कि कीमे में से तेल ना निकलना लगे। बिल्कुल कीमा तेल छोड़ दे, हमें इसे तब तक भूनना है। तेज आंच पर ही भूनिएगा, जल्दी पानी सूख जाएगा। अब ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा कटा हरा धनिया और हरी मिर्च, अब कीमे को चला लेंगे अच्छे से और गैस ऑफ करके 2 नींबू का रस डालेंगे और मिलाकर इसे अलग रख देंगे। चावल और कीमा दोनों तैयार है, अब लेयर लगा लेते हैं। तो लेंगे एक गहरा पतीला, उसमें सबसे पहले चावल की लेयर लगाएंगे। तो चावल को हल्के हाथों से पतीले में डालिए, चावल टूटे नहीं ये ख्याल रखना है आपको। चावल के बाद कीमे की लेयर लगाएंगे। मैं यहाँ सारा कीमा एक ही लेयर में इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका बर्तन छोटा है तो आप लेयर रिपीट कर सकते हैं। अब डालेंगे तली हुई प्याज। मैंने 250 ग्राम प्याज को पहले ही फ्राई करके रख लिया था। प्याज के बाद थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च डालेंगे और सबसे ऊपर की लेयर एक चावल की और लगाएंगे। चावल डालने के बाद तली हुई प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 बड़े चम्मच केवड़े में थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स किया है, उसको भी फैलाते हुए डालेंगे। 2 बड़े चम्मच देसी घी, 1 नींबू का रस निचोड़कर ढक्कन लगाकर 15 मिनट गैस पर रखकर धीमी आंच पर इसे हम दम लगाएंगे। 15 मिनट के बाद मैंने गैस ऑफ कर दिया था और उसके 5 मिनट के बाद अब मैं ढक्कन हटा रही हूँ। देखिए बिरयानी बिल्कुल तैयार है, कितनी लाजवाब दिख रही है। बहुत हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे, धीरे धीरे से, चावल टूटे नहीं इस बात का ख्याल रखना है, और रायते के साथ इसे सर्व करेंगे। बिल्कुल नई रेसिपी है, इसे इस बकरीद जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कीमा बिरयानी आपको कैसी लगी। आज की मेरी रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी, इसे लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए कि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।